वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको बुलाती हूँ अपने छोटे फ्रेंड से। तो देखिए कौन है, गन्नू महाराज। तो सब इनको हाथ जोड़ के नमस्ते कर लीजिए। सबकी सुनने वाले और सबके साथ रहने वाले गन्नू महाराज। तो ये तो हमने गन्नू महाराज, इनकी मैं जो मैं बहुत मानती हूँ। और जो भी काम हम स्टार्ट करते हैं उनका नाम लेते ही करते हैं, क्योंकि मैंने आपका ब्लॉग उनसे स्टार्ट किया है। हाय एवरीवन, तो उसकी तरह मैं आ गई हूँ किचन में और आज ब्रेकफास्ट में बना है पोहा। तो आज ब्रेकफास्ट में हम एंजॉय करने वाले हैं पोहा। तो आप भी आ जाइए और खा लीजिए पोहा, जो कि बनना है बहुत यम्मी। तो जिसको जल्दी से फिनिश करेंगे और फिर निकलना है हमें मार्केट के लिए। आज उनकी छुट्टी है तो फिर आज मार्केट निकलेंगे और फिर बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो दिखाऊंगी हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग को पूरा देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। आज की ब्लॉग में देखिए अर्थव टीवी देख रहा है और साथ साथ में नमकीन खा रहा है। तो फाइनली हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए। तो फर्स्टली हम जा रहे हैं मॉल और मॉल से शॉपिंग करनी है कुछ। तो फिर क्या क्या शॉपिंग करनी है वो मैं घर जाके बताऊंगी आपको। तो ब्लॉग को पूरा देखना, एंटर देखना। तो मैं दिखा देती हूँ मॉल के नज़ारे अंदर से। पता नहीं गाइस इतनी भीड़ नहीं थी मॉल में, ठीक ठाक भीड़ थी। पता नहीं क्यों, मैंने अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मॉल इतना खाली खाली क्यों लग रहा है। कौन जाने क्या था, मॉल में बहुत खाली था। तो हमें तो अपने काम से मतलब था। अच्छा था, भीड़ कम है उतना, इसलिए इंसान घूम लेता है। ये तो अच्छी बात है कम है, लेकिन पता नहीं, लेकिन जो रौनक रहती थी पहले मॉल में वो नहीं थी। तो फिर जल्दी से हम अपना काम निपटाएंगे और फिर घर को जाएंगे। तो मॉल में हमने देखा आइसक्रीम का स्टॉल। हमने कहा गर्मी बहुत हो गई है तो आइसक्रीम खा लेते हैं। तो पता नहीं गाइस, और जब हमने मतलब हमने तो आइसक्रीम ऑर्डर कर ली थी, लेकिन उसके बाद जो प्राइस सुना ना तो वो दंग रह गई। हमने खाई 600 समथिंग की आइसक्रीम। बहुत कॉस्टली है लेकिन हमने खाई। तो फटाफट हम निकले घर के लिए। चलो ये तो हो गया आइसक्रीम खा ली और फिर हम निकल गए अब नेक्स्ट जो हमें शॉपिंग करनी है, जहाँ जाना है उसके लिए। कुछ कुछ मैं सूट नहीं कर पाई किस रीजन से, तो साड़ी भी ली। चलिए तो अब चलते हैं मोबाइल की शॉपिंग के लिए। मेरे हस्बैंड दिला रहे हैं मुझे न्यू मोबाइल फ़ोन। तो फिर एक दो दुकानें हैं, देखनी पड़ती है कौन सा मतलब कहाँ अच्छा मोबाइल मिलेगा। तो फिर हम तो मुझे रास्ते में दिखा इतना प्यारा व्यू, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। मुझे जहाँ पे ग्रीन से दिखता है तो वहाँ पे मैं रुक जाती हूँ। तो हमें ये बात गर्मी हो रही थी तो लग गई थी प्यास। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो गन्ने का जूस पिला देता हूँ तुम्हें। तो हम लोग गए एक स्टॉल में गन्ने के जूस के। तो हम जल्दी से गन्ने के जूस मिस करेंगे, उसके बाद जाएंगे मोबाइल को परचेज करने के लिए। तो फाइनली हम पीते हैं गन्ने का जूस। और आज तो गर्मी है तो इससे अच्छा हेल्थ ड्रिंक कोई नहीं हो सकता है। काफ़ी बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। तो गन्ने का जूस हमने फाइनली आ चुका है तो हमने पीना स्टार्ट कर लिया। तो और फिर उसके बाद हम फाइनली हम पहुंच गए एक दुकान में और हमने मोबाइल ले लिया। तो ये हमने कौन सा मोबाइल लिया वो आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये भी एक सरप्राइज है, तो जल्दी से वो डिलीवर करूंगी मतलब बताऊंगी एक नेक्स्ट व्लॉग में मैंने कौन सा मोबाइल लिया है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे जो बिल है वगैरह बन रहा है, तो अब मैं इसी मोबाइल से सब मतलब ब्लॉग जो मेरे आएंगे इसी नए मोबाइल से आएंगे, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। और फिर इसके बाद फाइनली हम घर आ चुके हैं। तो मैंने ये सूट लिया है और साड़ी भी ली है। तो साड़ी मैंने उनको पीको फॉल होता ना वो दे गया था करने के लिए, वो जल्दी से मिलेगी तो दिखाऊंगी आपको साड़ी कैसी है। तो देखो अर्थव को कैसे मस्ती कर रहा है अपने ड्रम के साथ और कैसे इंजॉय कर रहा है फिर।
तो इसी तरह कब से हम हो गई पता नहीं चला। और तो मेरे हस्बैंड ने कहा बाइक में पेट्रोल लाना, तो उसी तो मैं भी चल पड़ी। और उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ खिलाता, मैंने कहा क्या, तो उन्होंने कहा मोमोज। तो फाइनली हम यहाँ पे मोमोज खा रहे हैं, हम बोला बहुत फूडी है। तो रात भी कब हो गई पता नहीं चला, तो इतना सब कुछ खाने के बाद हमने सोचा पुलाव खा लेते, तो मैंने गर्मा गर्म पुलाव बनाए और थोड़ा सब्जी बची थी वो भी ऐड कर दी। तो हम जल्दी से उसे फिनिश करने करेंगे और इंजॉय करेंगे। और देखिए पुलाव कितना यम्मी लग रहा है खाने में, तो ये खाने में इतना यम्मी है ही गाइस, बहुत टेस्टी बना है। तो अर्थव आपको दिखाती हूँ अर्थव की वस्तु, तो देखो मुझे कैसे खिला रहा है यहाँ पे चम्मच से, और उसको कितना प्यार आ रहा है अपनी मम्मी में। तो इस वजह से उसको शौक चढ़ा रहता है कि मैं खिलाऊँ, जब मैं खिलाती तो नहीं खाता है, लेकिन खिलाने का शौक चढ़ा है उसने, तो मुझे खिला रहा है। तो देखो आपको भी खिला रहा है ऑन कैमरा, तो आप भी खा लीजिए करके हाथ से, और मम्मा के साथ साथ आपको भी खिला रहा है। तो ये आज का छोटा सा ब्लॉग है, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आपके लेके आती रहूंगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो भी देखता है मैं आपको उसमें दिखाऊंगी मैंने कौन सा मोबाइल लिया है और मैं किससे ब्लॉगिंग करने वाली हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जल्दी मिलूंगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, प्यारे ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।